नमस्ते, मेरा नाम है सुविज्ञेंदु सुत और आज मैं आपको बताऊंगा वक्री यानी रेट्रोग्रेड मरकरी में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। श्री हनुमते नमः। मरकरी 5 मार्च को रात में 11:50 पे वक्री हो जाएंगे यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स होंगे आपके ऊपर और कुछ बुरे रिजल्ट्स होंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मरकरी को यानी कि वक्री मरकरी को बेनिफिक टूल की तरह यूज़ करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। पहले मैं आपको वक्री यानी रेट्रोग्रेड के बारे में समझा दूं। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है रिवर्स मोशन, जैसे कि कोई पर्सन सीधा सीधा चल रहा है और वो एकदम से रिवर्स मोशन में आ जाए यानी कि पीछे चलने लगे, तो ऐसा ही सेम हमारे प्लैनेट्स के साथ होता है। वो एकदम से रिवर्स मोशन में चलने लगते हैं और उसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के हम पर कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं और कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। और जब कोई प्लैनेट डायरेक्ट होता है या फिर वक्री होता है तो उनके भी हम पर कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं और कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। आज मैं आपसे सिर्फ रेट्रोग्रेड मरकरी के बारे में बात करूंगा। मरकरी इस बार टोटल 23 डेज के लिए वक्री होंगे यानी कि मार्च 28 में मरकरी डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। मरकरी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल, आईक्यू, नॉलेज, बिजनेस, फ्रेंड्स, कजन्स, शेयर ट्रेड या फिर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस या फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी को भी मरकरी ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा वक्री मरकरी में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसमें से पहला है, वक्री मरकरी में आपको कोई भी नया बिजनेस या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि वक्री मरकरी आपको गलत डिसीजन दिलवा सकता है। दूसरा, स्टूडेंट्स इंटेंस स्टडी में जाने में अवॉइड करें। आप अपना पुराना कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि वक्री मरकरी बेस्ट है आपको ओल्ड मेमोरीज को रिवाइज करने में। और हो सकता है अगर आप कोर्स को दोबारा रिवाइज करें तो आप उसे और अच्छे से ग्रैब कर पाए। तीसरा, आप वक्री मरकरी में जिन फ्रेंड्स के साथ आपके बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको आप इस टाइम में रिजॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आप शेयर मार्केट में हैं या फिर कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस में हैं तो आप अभी उसमें एंटर नहीं करें क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। तो इसी तरह से आप वक्री मरकरी को बेनिफिक टूल की तरह यूज़ करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एकदम परफेक्ट साइंस है। कुछ लोगों की वजह से लोग इसे टोने टोटके से जोड़ने लगते हैं जो कि बहुत गलत है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, एक लॉजिकल रीज़न है और ये मेरा काम है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जल्दी से वक्री मरकरी का फ़ायदा उठा सके। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।